हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक मॉडल जिसका नाम है स्मार्ट सिटी। ये मॉडल फ्रेंड्स सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चों ने बनाया है। ये जितना भी आप इस मॉडल का आउटलेट देख रहे होंगे, ये सब कुछ बच्चों के माइंड की खुद की क्रिएटिविटी है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये मॉडल चार हिस्सों के अंदर इस मॉडल का डिवीज़न हुआ है। पहला हिस्सा है अर्थक्वेक प्रॉन एरिया, दूसरे हिस्से के अंदर विलेज स्ट्रक्चर, विलेज लाइफ दिखाने की कोशिश की गई है, तीसरे हिस्से के अंदर यहाँ देखने को मिलेगा आपको इंडस्ट्रियल एरिया, और चौथा हिस्सा जो होगा इस मॉडल का वो है स्मार्ट सिटी। और सबसे पहले ये अर्थक्वेक एरिया में आप नोटिस करेंगे कि इसमें कोई भी बड़ी बिल्डिंग या कोई इस तरह से बड़ा स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज अर्थक्वेक प्रॉन एरिया में हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग और रिजाइडिंग एरिया नहीं बनाना चाहिए। और दूसरे हिस्से के अंदर आपको विलेज वाला जो लाइफ होगी, यहाँ बीच में माउंटेन दिखाया गया है और छोटे छोटे हाउसेज और हट्स देखने को मिल रहे होंगे इस मॉडल के अंदर, और एक यहाँ ग्रीनरी भी दिखाई गई है जो कि कल्टीवेशन और या यूं कहें पर्पज़ के लिए है, और बहुत छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट भी दिखाई गई है। और फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है लो कॉस्ट मॉडल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ बीचों बीच एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर बड़ा सा एक पोल है, और ये पोल लगातार लाइट जो है एल्यूमिनेट कर रहा है, यहाँ ग्लो कर रहा है। और एक हिस्सा जो है स्मार्ट सिटी का अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ गार्बेज है और ये एक तरह से रिसाइकलिंग यूनिट भी मान सकते हैं, और ये बड़े बड़े फ्लैट्स हैं सिटी के अंदर, और सिटी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ग्रीनरी इसके अंदर ग्रीन कलर दिखाया गया है जो कि मैक्सिमम ग्रीनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इसका चौथा हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल वाला हिस्सा है, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं और जो कि सिटी से काफ़ी बाहर है। और यहाँ मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ अर्थक्वेक प्रॉन रीजन, यहाँ ब्लू कलर की जो आपको स्पेस आप देख पा रहे होंगे वो बीचों बीच एक नदी को बताया गया है। और अभी जो इस एंगल से आपको ये मॉडल देखने को मिल रहा है, इसके अंदर एक ट्रैक भी देख पा रहे होंगे, ये जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक को प्रेजेंट कर रहा है, सो दैट ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो इंडस्ट्री से लेकर के सिटी तक आसानी से हो पाए। इस ट्रैक को रेलवे ट्रैक आप मान सकते हो। और ये मॉडल फ्रेंड्स जो बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से, मुझे लगता है सिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और जो भी क्रिएटिविटी इस मॉडल में की गई है वो काफ़ी अच्छी है। और ये देख पा रहे होंगे इस मॉडल को इस एंगल से भी पूरा फुल फ्लेज्ड ओवर लुक मैंने आपको दिखाया, और ये देख पा रहे होंगे एक एक हिस्सा दिखाने की कोशिश फिर से मैं लगातार कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देख सकते हैं, ये देखिए इस एंगल से। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।